हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को दबाकर ऑल हेलो नोटिफिकेशन ऑन दोस्तों, करें। मैं दयानंद। आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो देखते रहिए। ये 6 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड, आज हम जानेंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ड्राइंग से। तो ये रेड कलर का वायर जो दिखाई दे रहा है, ये फेस का वायर है। ये दोनों स्विचों के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और ये ग्रीन कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये अर्थिंग का है। और ब्लैक कलर का न्यूट्रल है। तो इसके अंदर आप देखिए, ये दोनों 5 पिन सॉकेट है। इसमें इस वाला जो टर्मिनल है, ये एल लिखा हुआ होता है, इसमें फेस दिया जाता है। इसमें ये एल वाला होता है जिसमें एल लिखा रहता है। इसका दूसरा वाला टर्मिनल होता है एन, जिसको कहते हैं न्यूट्रल। एन मतलब न्यूट्रल। तो ये एन टर्मिनल है और ये है ई टर्मिनल यानी अर्थ। इसमें अर्थिंग का वायर लगाया जाता है। तो इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। इसको स्विच का दूसरा टर्मिनल होता है, उससे आप रेड कलर का वायर लीजिए या किसी भी कलर का लीजिए। इसको एल से कनेक्ट करना है, जो स्विच से वायर आएगा। इसमें यह ब्लैक कलर का न्यूट्रल का वायर है, इसको करेंगे आप एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट। और यहाँ से लेकर दूसरे सॉकेट के अंदर एन वाले टर्मिनल में दे देंगे, यानी कि आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब बनता अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर कोई सी भी सॉकेट में पहले आप एक टर्मिनल को दे दीजिए जिसमें ई लिखा हुआ है। तो इस टर्मिनल में हम दे देते हैं, और इससे कनेक्ट करके आप दूसरे वाले सॉकेट के ई टर्मिनल में आप कनेक्ट कर दीजिए। बस इतना सिंपल सा कनेक्शन होता है इस बोर्ड का। ये वीडियो कमेंट के ऊपर बनाई है मैंने। आपका कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।